Hello class, I am Deepak Gupta and today we shall discuss on National Policy on Education that came in the year of 1986. Yani ki aaj hum NPE 1986 jo ki hamari second National Policy on Education rahi hai, is pe hum vistar se charcha karenge. Jaisa ki aap sabhi jante hain कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जो इतिहास रहा है हमारे देश में, द फर्स्ट एनपीई इट अराइव्ड इन द ईयर 1968 एंड इट वाज ब्रॉट बाय द देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. एनपीई 1968 इट वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन कमीशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन. और जिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अंडर द टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. अब हम ये बात कर लेते हैं दैट व्हाट एनपीई 1968 वाज ऑल अबाउट. सो इट कॉल्ड फॉर रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग एंड इट प्रपोज्ड फॉर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन. जैसा कि आप जानते हैं दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947 और एनपीई तकरीबन 20 साल के बाद आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की बड़ी आवश्यकता थी, यानी कि हमें उसको सुधारना था. एंड सेकेंड थिंग, ये प्रपोज करती है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि शिक्षा उस सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बन सके. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ एनपीई 1968 काम करती है. साथ ही साथ ये भी रिकमेंड करती है कि राष्ट्रीय आय का नेशनल इनकम का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एजुकेशन पॉलिसी बी अ सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू एवरी 5 ईयर. यानी कि बदलते परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी चेंजेस किए जाने हैं, इसके लिए हर या प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का रिव्यू होना चाहिए और जो भी उसमें आवश्यकताएं हैं वो उसमें जोड़ी या घटाई जानी चाहिए. अब हम अपने कोर टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा आज का विषय है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. आपको पता होना चाहिए कि 1986 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग लेड बाय राजीव गांधी, एंड राजीव गांधी जी ने कुछ रिवोल्यूशनरी काम किए थे, या हम ये कहें कि उनके पास कुछ रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे. ये बात अलग है कि वो सभी के सभी आइडियाज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ रिवोल्यूशनरी करने का प्रयास किया. और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं पिछली सरकारों की तरह कोई कमेटी या कोई कमीशन नहीं लाऊंगा. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे ने सन 1951 से लेके सन 1983 तक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति रही है उसका अध्ययन किया. एंड दिस सर्वे इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट अंडर द टाइटल, इसको आप ध्यान रखेंगे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव. और इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर एनपीई 1986 वाज फॉर्मुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद इट्स रिव्यू, जो कि एनपीई ने स्वयं कहा था 1968 में कि ये हर 5 साल के बाद रिव्यू की जानी चाहिए. और सेकेंड थिंग, इट वॉज बेस्ड ऑन द सर्वे रिपोर्ट टाइटल्ड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी परस्पेक्टिव. ये बात आपको ध्यान रखनी है. जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो आप ये बात समझिए दैट एनपीई 1986 इट कॉल्ड फॉर स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन, एससीज एंड एसटीज
एंड एल्डरली। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो भी डिस्पैरिटीज हैं, जो भी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, उन पर, उनकी रिमूवल पर, उनको हटाए जाने पे स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल अटेंशन पे करने की बात करती है। ये इसको मेन ऑब्जेक्टिव रखती है। और साथ ही साथ टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर विमेन एंड द डाउनट्रोडन, बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ आर सोसाइटी विच आर एससीज एंड एसटीज। रिकमेंडेशंस पे आते हैं हम, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहाँ पर आप इस प्रश्न पे आप देख पाएंगे कि जो पहले दो रिकमेंडेशंस हैं उसे इसने अपने आप से नहीं दिया, बल्कि इसने पिछली पॉलिसीज को, जो पिछली पॉलिसी में जो दिए गए थे, उसने इसको रिटेन किया। फर्स्ट वन बीइंग द स्ट्रक्चर 10+2+3। आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर शिक्षा का काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा है। 10 मीन्स पहले 10 साल, कक्षा 1 से कक्षा 10, प्लस 2 सीनियर सेकेंडरी सेक्शन 11th एंड 12th, एंड प्लस 3 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। द स्ट्रक्चर 10+2+3 टू बी कंटिन्यूड एज वेल एज 3 लैंग्वेज फार्मूला। आप जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कोठारी कमीशन ने की थी, और 10+2+3 स्ट्रक्चर की बात ये NPE 1968 ने की थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है, इट वॉज रिकमेंडेड बाई विच एजुकेशन पॉलिसी। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बात होती है पॉलिसी की कि किस पॉलिसी ने रिकमेंड किया था, देन इट इज NPE 1968। लेकिन अगर बात की जाती है कि किस कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था, देन योर आंसर वुड बी कोठारी कमीशन। एंड सेकेंड थिंग, प्राइमरी स्कूल, सभी लोग आसानी से स्कूल जा पाएँ, या लोगों की स्कूल जो हैं वो लोगों की पहुँच से बहुत बाहर ना हो, इसके लिए प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। ये भी जो रिकमेंडेशन है वो पहले की है, कोठारी कमीशन की है, जिसको इसने रिटेन किया। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि NPE 1986 की अपनी रिकमेंडेशंस क्या रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर बर्थ अप टू द एज ऑफ 6। इफ यू हैव स्टडीड RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, दैट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग फ्री and compulsory education to the children from 6 to 14 years. वो 6 से 14 साल की बात करता है। What about before 6 years? तो NPE 1986 ये बात करता है integrated child development service की, कि उसके पहले, उनके 6 वर्ष के होने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस देखेगी। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो हमारी रीसेंट पॉलिसी आई है NPE 2020, उसने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के प्लेस पे जो रिकमेंडेशन दी है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको हम ECCE के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, द रिवोल्यूशन दैट वॉज ब्रॉट और वी कैन से रिकमेंडेड बाय दिस पॉलिसी NPE 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड टू रिफॉर्म प्राइमरी एजुकेशन। आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में अभी भी बहुत अधिक सुधारों की आवश्यकता है। और जब ये बात हम करते हैं गांवों की, देहातों की, दूर दराज के इलाकों की, तब ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस पॉलिसी ने ये ऑब्जर्व किया
कि गांवों में, रूरल एरियाज़ में जो स्कूल हैं वो कभी पेड़ के नीचे हो रहे हैं, कभी तालाब के किनारे हो रहे हैं, विदाउट एनी पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इसने लॉन्च किया, इसने रिकमेंड किया ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, और ये सुझाया कि कम से कम 2 कमरों की बिल्डिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2-room बिल्डिंग विद सर्टेन मैंडेटरी फर्नीचर एंड 2 teachers एटलीस्ट। तो प्राइमरी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कई बार पूछा जा चुका है। सेकेंड थिंग, नवोदय विद्यालयाज नर्चरिंग द रूरल टैलेंट, जो कि इसका थीम रहा है, एंड एमिंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। असली भारत गांवों में बसता है, ये कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। यहाँ पर NPE 1986 ने जो बच्चे, जो छात्र छात्राएँ गांवों के हैं, देहातों की हैं, पिछड़े एरियाज के हैं, उनको कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, इस पर्सपेक्टिव से इन्होंने नवोदय विद्यालयास के गठन की बात कही या रिकमेंड की इसके लिए। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नवोदय विद्यालयास को NPE 1986 ने पेस सेटिंग स्कूल्स भी कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटी एंड ओपन स्कूलिंग सिस्टम लाइक NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, इन सभी संस्थाओं की भी रिकमेंडेशन NPE 1986 करता है। कंप्यूटर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स, इट वॉज ब्रॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आर कंट्री, और ये कार्य करने वाला NPE 1986 ही है जो कि कंप्यूटर एजुकेशन को रिकमेंड करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ रिवोल्यूशन कंसिडरिंग द ईयर 1986। साथ ही साथ टीचर्स, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए ये रिकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम पॉपुलरली या शॉर्ट में डाइट्स भी कहते हैं, कि हर ज़िले में एक इंस्टीट्यूट हो जो कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दे सके, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। तो डाइट्स की रिकमेंडेशन भी NPE 1986 ही करता है। अब अगर हम बात करें इवेल्युएशन की, तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, इसको हम CCE कहते हैं, इसका रिकमेंडेशन फर्स्ट टाइम 1986 NPE 1986 ने ही दिया था, और साथ ही साथ इसने ये भी सुझाव दिया था कि हम डिवीजन, श्रेणी के स्थान पे ग्रेड्स का इस्तेमाल करें व्हेन इट कम्स टू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि हमारी पहली पॉलिसी थी, दैट केम इन द ईयर 1968, उसने ये बात कही थी कि NPE वुड बी अ सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू एवरी 5 ईयर। सिमिलरली 1986 को भी NPE 1986 को भी रिव्यू किया गया, और इसे रिव्यू करने वाली कोई एक कमेटी नहीं थी बल्कि वहाँ 3 कमेटियाँ थीं। आपको उनके नाम जानने अति आवश्यक हैं। द फर्स्ट कमेटी दैट रिव्यूड वॉज राम मूर्ति कमेटी, सेकेंड कमेटी वॉज जनार्दन रेड्डी कमेटी, एंड थर्ड कमेटी वॉज द नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसको हम यशपाल कमेटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु थे NPE 1986 के, हमने उनको अध्ययन किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इतना अध्ययन करके काफ़ी कुछ तो हम जान गए हैं, सीख गए हैं, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो जो मैं आपसे आग्रह हर बार करता हूँ, वही आज भी करूँगा,
कि बेहतर होगा अगर आप एनपीई 1986 को एक बार पूरा पढ़ लें अगर आप किसी अच्छे या बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद और पर्याप्त होनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।